समाज बाल बच्चा सब के लागि परिवार के लागि व्रत उठे जे छी बहुत बढ़िया चीज है ऐसे बेटा हो जाए ना सब के भगवान के लागि देख सके छी विदेशी पर्यटक सब सेहो एहिमे नजर आबि रहल छथिन जे पिक्चर लऽ रहल छथिन तऽ ई छठि पर्व पवित्रता के पर्व छै नमस्कार हम राजेश झा छी आदरणीय दर्शक मित्र अखन हम सब जनकपुर धाम स्थित गंगा सागर पोखरि पर चलि आयल छी गंगा सागर पोखरि पर आइ छठि के सौझका अर्घ देबऽ के सबसँ महत्वपूर्ण दिन छठि मे जनकपुर धाम के अगर छठि के बात कयल जाय तऽ सबसँ विशिष्ट नेपाल आ भारत के विभिन्न राज्य मे छठि मनायल जाइ छै लेकिन सबसँ विशिष्ट जनकपुर धाम के छठि तहिना भारत मे पटना के छठि मानल जाय छै और हरेक वर्ष जकाँ एहि वर्ष सेहो अद्भुत वातावरण एतऽ बनि चुकल नजर आबि रहल अछि लोक आस्था पवित्रता के महान पर्व छठि पूजाल के जनकपुर धाम आ भारत के पटना के छठि प्रसिद्ध मानल जाय छै जतऽ हजारों के संख्या में श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष एतऽ के छठि देखऽ लए अबै छथिन एहि बेर सेहो देख सकै छी ओ चीज नजर आबि रहल छै आ बहुत भीड़ छै हरेक पोखरि पर जनकपुर मे जतऽ जेबै ओहि सबतर ई अवस्था छै छठि पूजा मे मुख्य रूप सँ सूर्य देव के उपासना के ई पर्व अछि एहि पर्व मे व्रती 36 घंटा कठोर व्रत रखै छै छठि पर्व कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन मनाओल जाइत अछि पुराण के अनुसार छठि पूजा के शुरुआत रामायण के दौरान भेल रहै जहन रावण के वध कऽ राम आ सीता अयोध्या वापस आयल रहथिन तऽ एहि पर्व के उपास रखने रहथिन एकर पालना केने रहथिन इहो मानल जाइ छै कर्ण जे सूर्य के पुत्र छै ओ सूर्य भगवान के परम भक्त रहथिन आ घंटो घंटा पानि मे ठाड़ भऽ सूर्य भगवान के अर्घ दै छलखिन दीदी ई छठि पर्व मे व्रत रखने छियै केहन दीदी ई व्रत कते पवित्रता के ई पाबनि छै आ एमे अति उपास सब सूर्य सँ कए दिन आइ तीन दिन के उपास हाँ फल फलान करलक टीका अमनिया खैलक नीमक नहीं खैलक एक के टाइम खैलक अपन खा पी के निर्जल ध्यान से निर्जल उपास भर आइ के बाद में आइ आइ भर रात निर्जल उपास रह अब कल भोरका अर्घ शुक्र बार के हाथ उठते फेरो शुक्र भात हाथ धोई के आ तब अपन सब भगवान के हाथ उठा के प्रसाद होइ छै से लेथिन सब अपन अपन प्रसादी घरे जा के खैथिन सब बाल बच्चा के आशीर्वाद ए पर्व के कथी महत्व छै आइ व्रत केहन छै आंटी कथी एक साथ है छठ माई व्रत से पूरा करै छै पर्व में बहुत साथ है जे भगवान जे मांगे छै सच्चा रूप से सच्चा दिल से मांगे छै भगवान दे दे छै दे दे हां से मान्यता छै राम सच्चा दिल से मांगे तब दै है आइ दिन के बात है आइ में सतो बाबू छै भगवान सब के मेरा पागल लागल हां जय छठ माई जय छठ माई नमस्ते थैंक यू ई देख सकली जे दीदी सब जे आइ गंगा सागर पोखरि पर चलि आयल छथिन ओ सब छठि के महत्व के बारे में सब चीज के बारे में बता रहल छथिन जे वास्तव में ई कते निष्ठा पवित्रता के पर्व अछि अखन अपने सब गंगा सागर के दृश्य देख रहल छी पांडव के स्वास्थ्य आ दीर्घ आयु के लेल द्रौपदी सेहो सूर्य देव के उपासना केने रहथिन कहै छै जे हुनका यही श्रद्धा के कारण पांडव के फेर सँ अपन राजपाट वापस मिल गेल एहि पर्वसँ जुड़ल एकटा आओर पौराणिक कहानी प्रचलित अछि राजा प्रियवर आ रानी मालिनी निसंतान रहथि ताहि कारण ओसब बहुत दुखी रहथि तऽ महर्षि काश्यप हुनका पुत्र कामेष्टि यज्ञ करऽके सलाह देलखिन जखन ओसब ई यज्ञ केलखिन तऽ महर्षि काश्यप रानी मालिनीके
प्रसाद के रूप में खीर खिला दलखिन। किछ समय बितला बाद राजा रानी के पुत्र प्राप्ति भेल, लेकिन भाग्य एते खराब रहन जे बच्चा मृत अवस्था में जन्मल। राजा जखन बच्चा के मृत शरीर लक शमशान गेलै तो अपनो प्राण के आहुति देव चाहलन, मुदा तत्क्षण ओत देव सेना अर्थात छठ देवी ओत प्रकट भेलखिन, जे सृष्टि के नाम से सेहो जानल जाय छै। ओ राजा से कहलखिन जे अगर कोई सच्चा मन से विधिवत हुनकर पूजा करै छै तो मनोकामना पूरा होइ छै। देवी राजा के हुनकर पूजा क के करऽ के सलाह देलखिन। राजा सच मन से देवी के पूजा क के प्रसन्न, राजा से प्रसन्न भ देवी हुनका पुत्र प्राप्ति के वरदान देलखिन। कहै छै जे राजा जहिया हुनकर पूजा केलखिन ओ कार्तिक शुक्ल के सृष्टि के दिन रहै, आ तहिया से आइ धरि ई पावनि ई पर्व के चलैत आबि रहल छै। अखन जनकपुर धाम के अद्भुत दृश्य देख रहल छियै। एत जे प्रसिद्धि छै, जे महत्व छै, से सहजे झलकै छै। चारू भर अगर पोखरि के चारू भर के दृश्य देख सकै छी, जे झकमक झकमक कऽ रहल छै। प्रत्येक वर्ष से दू साल से कोरोना महामारी के वजह से ओते बढ़िया जकाँ भऽ नहि पबै छलै, लेकिन एहि साल फेर से बहुत बढ़िया तरीका से आइयो लोक ई व्रत संतान प्राप्ति आ घर परिवार के सदस्य के सुख समृद्धि आ दीर्घायु के लेल करैत अछि। छठ पूजा के चारि महत्वपूर्ण दिन होइत अछि। नहाय खाय पहिल दिन के कहै छै, दोसर दिन खरना, छठ पूजा के तेसर दिन संध्या अर्घ। जे जतौ जै क्षण में अखन हम अपना सब छी, ई संध्या अर्घ कहै छै एके। तहिना तेसर दिन छठ पूजा के मुख्य दिन अछि आइ, आ एहि दिन व्रती उपास राखि साँझ मे नदी वा तट पर तलाब मे डूबैत सूर्य के अर्घ दै छथिन। छठ पूजा के चौथा दिन के उषा अर्घ कहै छै, जे काल्हि भोर मे होयत, जतौ व्रती भोरे फेर सँ नदी पर तट पर पोखरि तलाब मे जतौ भी पूजा होइ छै ओतौ आबि कऽ आ गीत गबै छथिन। छठ पूजा के सूर्य देव के पूजा करै छथिन, गीत गबै छथिन, हुनका प्रसन्न करै छथिन। तै के बाद मे व्रत तोड़ै छथिन आ ई व्रत पूरा होइ छै। ई देख सकै छी अखन एतऽ हमसब गंगा सागर पर सब अपने सब प्रत्यक्ष देख रहल छी, जे कते अद्भुत एतऽ प्रत्येक जते भी एतऽ छिट्टी होइ छै, एहिमे छिट्टी मे प्रत्येक समान सब कुसियार, उइक, केरा, ठकुआ, भुसबा, टैब नेबो लगात विभिन्न तरकारी सब सब चीज एहिमे राखल छै। आ विधिवत पूजा होइ छै, पवित्रता के पूजा। एतऽ जनकपुर धाम सँ जनकपुर धाम के गंगा सागर पोखरि सँ अखन देख रहल छी गंगा सागर पर। महारानी के गीत सब सेहो एतऽ चारू भर गूंज रहल छै। तहिना ई जँ जँ समय बीतै छै तँ तँ एतऽ के सजावट, एतऽ के डेकोरेशन सबके तँ बाते किछु आओर छै। आ प्रत्येक वर्ष आओर बढ़िआँ बेहतरीन केना हेतै तै प्रयासमे ईसब तै जद्दोजहदमे एतऽ के युवा क्लब लगाइत एतऽ के आयोजक सब जे महीनो पहिले दशैएसँ दीपावलीसँ एतऽ के डेकोरेशन सब सर सफाइ लगाइत के काम सब शुरू भऽ जाइत अछि। दूर दूर से साइड साइड से हरेक जगह छठ महारानी के गीत गूंजत कान में।
अइ पर्व के और आध्यात्मिक आ महत्वपूर्ण बनाए रहल छै। जे जनकपुर से जे दृश्य आबि रहल अछि, जे नजर आबि रहल छै से देख सकै छी। भीड़ भेला के कारण चारू तरफ सबतरि हमसब नहि जाय चाहै छी, अही ठमन से एके ठमन से चारू भर अपने सब देख सकी ई कोशिश कर रहल छी। अखन गंगा सागर पोखरि पर एत गंगा आरती सेहो एत के बहुत प्रचलित अछि, मुदा आइ जे छै से छठि के दृश्य देख रहल छी। दृश्य देख रहल छी से संस्कार अर्घ भऽ गेला के बाद में साँझ के जे सूर्य के प्रणाम करे के सूर्य देवता के ई खास कऽ के प्रकृति के पूजा है। जनकपुर के दोसर पोखरि सब पर सेहो छठि के आयोजना छै आ सजावट सब चीज एहने छै, मतलब बहुत बढ़िया तरीका से कयल गेल छै। लेकिन अखन हमसब मुख्य गंगा सागर पर छी आ एत के दृश्य देख रहल छी। देख सकै छी जे ई छठि देखे लए कतऽ कतऽ सँ आबि कऽ आ एहिठाम फिक्सर लऽ रहल छथिन, सब चीज एत गंगा आरती जत हो ठीक वही जगह पर अखन हम सब छी। एत देख सकै छी गंगा आरती के हमसब देख सकै छी प्रसादी बटा रहल छै। एहि किस्म के वातावरण नजर आबि रहल अछि, रास्ता सबमे सेहो जगह जगह पर अपने के ज्यादा भीड़ नहीं हो वही के सेहो ध्यान में राखल छै, तहिना सब कोई पिक्चर सेहो लेबऽ मे व्यस्त नजर आबि रहल छै। गंगा आरती सँ कनि भर ज्यादा भीड़ भऽ चुकल छै। तहिना आओर अन्य अन्य पोखरि सब पर सेहो छै जनकपुर धाम में
जैसा ये प्रचलित है आ सब तरह के वातावरण एहने ये देख सके प्रत्येक सामान सब दीप सब जड़वाला से जगह जगह पर व्रत केने व्रती सब उ सब से बैसल लगायत परिवार के सदस्य सब सहयोग लेल अठम आबि चुकल ये जनकपुर धाम के अनेक पोखरि पर होइ छै लेकिन प्रचलित में से एक गंगा सागर पोखरि पर जत गंगा आरती से होइ छै वही जगह पर के दृश्य देख रहल छी। हर तरह के हर जगह के व्यक्ति सब एत और चल आ देख सकते विदेशी पर्यटक सब से हो बाहर बाहर कंट्री के व्यक्ति सब से हो एत आबि के छठ के आनंद लो रहल छथिन। छठ घाट के आसपास के दृश्य देख रहल छी कते साँझ खन के खास क के और बढ़िया लगे छै जखन सब कोई अबै छथिन आ एगो आस्था जे श्रद्धा छै से सबके खींच कऽ अइठमन लबै छै। आइ के जे पौराणिक महत्व अछि अपने सब कोई के जे मनोकामना अछि जे इच्छा अछि से छठ महारानी पूरा करे। छठ के छठ पर्व के अपने सब कोई के जनकपुर धाम स्थित अर्गजा पोखरि पर जत पोखरि मूर्ति से बनाओल गया दृश्य देख रहा छी अखन अर्गजा खास कर के संस्कार अर्घ देला के बाद में जे सामान देख लेल आदमी छथिन उसे मात्रे घाट पर छथिन बाद बाकी सब कोई एत साइड में आबि के एंजॉय कर रहल छथिन मेला। पुत्र प्राप्ति के लिए से पर्व कल जाए तहिना जीवन में गरीबी नहीं रहे तैला से पर्व कल जाए और बहुत महत्व सब छे बहुत कहानी सब छे एक के पक्ष ये अर्गजा पोखरि के घाट अर्गजा पोखरि के दृश्य है जत एत पहले से बहुत पहले से सजावट सब सब चल रहा है पोखरि के सर सफाई लगाए अनेक काम ये पर्व अपने सबके जीवन में सुख समृद्धि लावे यह कामना कर रहा है। राजेश झाराज जानकी खबर।